अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी तकरीबन आज से 2 महीने पहले, लॉकडाउन से पहले। तो मैं आपको यहाँ की वीडियो चेक करवाता हूँ एक्सपो सेंटर की। मैं एक्सपो सेंटर गया था तो वहाँ पे जो थ्रेड का और ये इंडस्ट्री का जो है इनकी एग्जीबिशन थी, तो मैं वहाँ गया था। तो मैं आपको आज वो वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ, एंड तक देखिएगा मेरी वीडियो। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स वाले आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। सामने चाइनीज से इंटरव्यू ले रहे हैं। यहाँ पे थ्रेड की और गारमेंट्स की पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्जीबिशन थी लाहौर एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में। तो मैंने ये अटेंड की थी आज से 2 महीने पहले। तो मैं पहले वीडियो अपलोड नहीं कर सका था, तो थोड़ा बिजी था। तो आज फ्री था, मैंने कहा चले आपको आज बाइक का विजिट भी करवा दूँ। आप लोग भी घर बैठ बैठ के बोर हो रहे होंगे, तो आपको ये एग्जीबिशन का जो है वीडियो चेक करवा रहा हूँ, आप देखें और इन्जॉय करें। इसमें मैंने ज़्यादा बोला नहीं हुआ, जस्ट मैंने विजिट किया था। तो उस दिन मैं इतना इमोशनल नहीं था, तो मैंने इसलिए कुछ भी रिकॉर्डिंग में इतना खास कुछ बोला नहीं। मुझे अच्छी लगी थी मशीन, ये थी कि जीन्स की पैंट के लिए स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट मशीनें थी गारमेंट्स के, तो मैं अपनी बड़ी बड़ी काम मशीन के लिए चेक करवा लूँ। ये अवला तमाम ऑटोमेटिक मशीन है और इनके तमाम एड्रेस वगैरह कार्ड्स वगैरह मैंने लिख सकती हूँ। कि अगर कभी एक्स्ट्रा मशीन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनसे कॉन्टैक्ट करूँगा। इनके रेट्स और इनकी जो मटीरियल है बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा था मार्केट से। सबके साथ ये सैबरो मोटर छोटी मोटर लगती है जो बहुत ही ना होने के बराबर बिजली खींचती है। आपका बिजली का बिल बहुत रिजनेबल आया, बहुत कम आता है। ये देखिए तमाम गारमेंट्स वाले बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले आए हुए थे। उनके मैं आपको आगे दिखाऊंगा मशीन क्या यहाँ पे घाटा बनता है, वहाँ पर आगे से कपड़ा तैयार होता हो गया। नेक्स्ट मशीन में आपको मिल चुका है, लेकिन वो कॉस्ट में ज़्यादा रहती है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर ये राउंड चल रहा है, नीचे ये कपड़ा बन रहा है। बहुत ही अभी आपको ओपन करके दिखाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा क्वालिटी का ये कपड़ा बन रहा था। ये मशीन मुझे बहुत पसंद आई, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। थ्रेड चल रही और ये नीचे ये ओपन करके बहुत अच्छी मशीन है। को भी ऐसी एग्जीबिशन अटेंड करनी चाहिए, इससे इंसान को काफ़ी चीज़ें सीखने में मिलती हैं, काफ़ी कुछ पता चलता है। तो होप आप इन्जॉय करें। कैंटीन बनी थी, मुझे थोड़ी प्यास लगी थी तो मैं ऊपर ये जूस लेने आया था। ऊपर से आपको नीचे करवा
ये जो लेबर्स वगैरह की जो यूनिफॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पे मैंने स्टॉल लगाया हुआ था। Like I've forgotten how to breathe. I am trapped in sin and I can't breathe. Nikli acha bhi hai mashallah aao same ohi ohi jayega tum mega zabardast
feels like I've forgotten how to breathe. I am trapped in sin and I can't leave. Seems like I've forgotten how to breathe. I am trapped in sin and I can't.